Sunday before last, we have seen few things from the book of Joshua, chapter 1. That time I wanted to say a few more things about Joshua, but because of time constraints, I did not go into it. But afterwards, I was greatly encouraged by the meditation about the man Joshua. His life. So I have already sent WhatsApp message the points, but some of the references are not very correct. Afterwards I checked. So you can correct the references, and afterwards you can think about it more. First, we will read Numbers chapter 32, verse 11 and 12. Rageshwai, please help me to, because we are going to see a few references from here and there. Numbers 32, 11 and 12. Sangya 32 ka 11 aur 12. निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखेंगे ना पाएंगे, देखने ना पाएंगे, जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यूफ्रेन कंची का पुत्र यकालेब और नून के पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। When Israelites मिस्र से निकला, योशुआ का उम्र 20 साल से ऊपर था। 20 साल से जितने लोग ऊपर थे, उनमें से खाली दो जन कनान देश में पहुंचा, बाकी सब मरुभूमि में मर गए। 20 साल से कम उम्र का लोग थे, उन लोग सब उधर पहुंच गए। इसलिए ये गलत है, संडे स्कूल में हमको सिखाया, कुछ गलत रीति से सिखाया। मिस्र से कितने लोग निकले हैं, उनमें से खाली दो जन कनान देश में पहुंचा, ये गलत है। 20 साल के ऊपर जितने लोग हैं, उनमें से दो जन ही पहुंचा। एंड अदर्स हु वर लेस देन 20, 20 साल से कम था, बहुत लोग उधर पहुंचे हैं, वो समझना है। जब कनान देश में पहुंचा 40 साल के बाद, योशुआ का उम्र 60 साल से ऊपर है, नहीं है तो मूसा मरते समय में, ये जिम्मेदारी लेते समय में उसका उम्र 60 साल से ऊपर है। इधर पहला बात है, उसका जन्म इसराइल का छुटौती से 20 साल पहले हुआ। ऐसा उनका पीड़ाएं, सदावट, द पर्सिक्यूशन, द सप्रेशन वॉज इंक्रीसिंग, दैट टाइम हिज बर्थ वॉज टेकन प्लेस। इट वॉज इन ए रॉन्ग प्लेस, इट वॉज इन ए रॉन्ग टाइम, ह्यूमनली लुकिंग। समय अच्छा नहीं था, जगह अच्छा नहीं था, मानसिक दृष्टि से देखेंगे। इसराइली लोग इतना ज्यादा सताया गया, उसके बारे में हम निर्गमन का पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 2 और 3 में पढ़ते हैं। इतना सदावट होने के कारण उन लोग ईश्वर को देखे रोया। ईश्वर उनको बोला, मूसा को बोला, मेरा लोगों का रोना मैं सुन लिया, उनका दुख मैं देख लिया। इतना लोग रोया, लोग बचना चाहता था, बाहर निकलना चाहता था,
उनको इतना सताया गया। ये समय योशुआ उसके जवानी में था, शायद वो भी बहुत रोया होगा दूसरे लोगों के साथ मिलके। उनका माँ बाप उनका नाम रखा होशाया रखा था, मतलब सालवेशन है, और मूसा उसका नाम बदल के यहोशुआ रखा, सालवेशन ऑफ गॉड। इसलिए उनका माँ बाप को ये नाम रखते समय में विश्वास और आशा और प्रतीक्षा और प्रार्थना था। वो क्या था? जल्दी से इसराइल का उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, उन लोग मिस्र से बच जाए, ये उनको था। इसलिए वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो उसका बचपन के बारे में, जवानी में का शुरुआत में बहुत कड़वा अनुभव था, बिटर एक्सपीरियंसेस। ये पढ़ते समय में मेरे बारे में मैं सोचा, और मैं से कुछ लोग भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो कुछ हार्ड डिफिकल्ट हार्ड एक्सपीरियंसेस हार्ड रियालिटीज ऑफ लाइफ बहुत कठिन परिस्थिति में। ये तो 60 साल पहले जो गांव में मैं बड़ा हो गया, उधर का परिस्थिति आज का जैसा नहीं है। आज उधर घर तक गाड़ी पहुंच सकता है, आज बिजली है, आज काफी सुविधाएं है उधर, गांव है पर भी थोड़ा पगाड़ी देश है पर भी। पर उस जमाने में ऐसा नहीं था, कुछ रास्ता नहीं था, बिजली नहीं था, और 6 बज गया तो बाहर निकलने के लिए डरेगा, ऐसा जगह था। फिर उधर का आर्थिक परिस्थिति भी इतना अच्छा नहीं था, और बहुत कुछ बातों में बहुत पीछे था, और छोटे उम्र से काम करना पड़ता था। आज भी मुझको याद है, जब मानसून का शुरुआत होते हैं, पूरा परिवार खेतर में उतर जाते हैं, और सबको अलग अलग काम देगा। ये जितना एक एक बच्चा का उम्र के अनुसार हो सकता है उतना उसको करना ही था, और ये सब पीछे मुड़ के देखेंगे तो कभी कभी हमको लगेगा क्यों ईश्वर हमें ऐसा एक परिस्थिति में रखा, हमारा बढ़ोतरी उधर होने को दिया। ईश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, गॉड विल नेवर मेक ए मिस्टेक। योशुआ को भी ईश्वर उस कठिन परिस्थिति में तैयार किया, उसे एक फायदा है। ऐसे लोग जीवन में कोई भी समस्या को सामने करने के लिए तैयार हो जाए। चलिए पहला बात, Joshua is a slave, born in the wrong place, in the wrong time. But he was not born in the wrong family. He was not born in the wrong people group. They were God's people. His parents were believers because they had the expectation of their deliverance. Very soon, God will save them, deliver them, bring them out. All these things he believed. So God prepared this man in difficult circumstances. ये पहला बात मैं encouragement के लिए बोलना चाहता हूँ। हमारा परिस्थिति कुछ भी हो, if you are a child of God, it is allowed by God. Whatever is our circumstances, if you are a child of God, 100% believe. This is allowed by the Lord, His own purposes. I don't know probably all the details, but God has His own purposes. God takes care of His people even in difficult circumstances. So Joshua was born as a slave. So when Moses came, he was 20 years old. Second verse.
we Numbers 11:28. जब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। ओके, इधर हम पढ़ते हैं मूसा का सेवक जोशुआ इज द सर्वेंट। व्हेन मोसेस वेंट देयर, मोसेस वाज 80 इयर्स ओल्ड, जोशुआ वाज 20 इयर्स ओल्ड। But soon this boy understood who this man is, that he is sent by God, and he is a man of God. He recognized it, and he became a servant of Moses. देखो, एक व्यक्ति कौन है समझना है तो इंग्लिश में कहते हैं, नो ए मैन बाय द कंपनी ही कीप्स। किसके साथ है ये आदमी, उसको देखें हमको मालूम होगा ये आदमी कैसा है। आपका दोस्त को दिखाओ, मैं बताऊंगा आप कैसा है। आपका पुस्तक को दिखाओ, मैं बताऊंगा आप कौन है। आपका चर्च को दिखाओ, मैं बताऊंगा आप कौन है। आपका पास्टर को दिखाओ, मैं बताऊंगा आप कौन है। इसलिए हम किसके साथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा जीवन का तैयारी होते समय में हम किसके साथ समय बिताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका असर बहुत लंबा समय तक रहेगा। निधि वजन से एक कलम बढ़ेंगे, 13:20, प्रोवर्ब्स 13:20। निधि वजन 13:20, दूसरे किसी को मिला है तो भी पढ़ सकते। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमान होंगे संगति में रहो। इफ यू वी आर विद द वाइज मैन, वाइज पीपल, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम वाइज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोशुआ इतना बड़ा लीडर बनने के पीछे एक रहस्य ये है, वो मूसा जैसा एक बहुत बड़ा एक भक्त, बहुत बड़ा एक लीडर के साथ था। इसलिए मेरा एडवाइस ये है, आप कहां भी जाए, कहां भी रहे, जो असेंबली में आप जाते हैं, भविष्य में जाना पड़ेगा, उधर कुछ आत्मिक लोगों को ढूंढना, उनके साथ संगति रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं ओएम में गया, बाइबल स्कूल में गया, बाद में सेवाई में आया और अलग अलग लोगों के साथ परिचय हुआ, इस बात को मैं ज्यादा महत्व दिया, आत्मिक लोगों के साथ समय और दोस्ती रखना, समय बिताना, उनके साथ बात करना। मैं बोलना चाहता हूं वर्तमान काल में बहुत सेवक लोग हैं, उनमें से बहुत लोग आत्मिक नहीं है, उनका प्रार्थना जीवन बराबर नहीं है, उनका समर्पण बराबर नहीं है, उसका दर्शन बराबर नहीं है। इसलिए हम ऐसा लोगों को ढूंढना है जो आत्मिक है। आत्मिक लोगों के साथ हम संगति करेंगे तो हम आत्मिक बनेंगे।
समर्पित लोगों के साथ है तो हम समर्पित बने, भक्तों के साथ है तो हम भक्त बन जाए। इसलिए हम ढूंढना है, ऐसा लोगों को ढूंढना है। एक मंडली में सब लोग एक प्रकार का नहीं होगा, कोई बात नहीं, उधर कुछ आत्मिक लोग होगा, उनके साथ समय बिताने के लिए सीख लो, उनके साथ बात करो। इसलिए प्रभु का भजन में लिखा है, हम बुद्धिमानों के साथ चलेगा तो बुद्धिमान बनेंगे, मूर्खों के साथ है तो मूर्ख, गुंडा के साथ है तो गुंडा बन जाए, खराब लोगों के साथ है तो खराब हो जाए, दारूडियों के साथ है तो दारूडिया बन जाए। देखो एक व्यक्ति बोला, दुनिया में आज जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है वो भी एक दिन एक निर्दोष बच्चा के जैसा दुनिया में पैदा हुआ। He was born in this world as an innocent child. But how he became a terrorist? Because of the atmosphere, his friends, his company, probably his own family. And the most holiest person in this world, he was also born as an innocent person. But how he became a very powerful godly man? What is the secret? He met some godly people, probably, you know, in his own home or while he was studying. So that is very important. So Joshua had the privilege at the age of 20, he met this wonderful man. Or idhar hum padhte hain, वो मूसा का एक दास बन गया और उनके चुने हुए में से एक बन गया, वन ऑफ हिज चॉइस मैन। द सर्वेंट ऑफ गॉड मोसेस अंडरस्टूड, हियर इज अ बॉय हु इज वेरी सिंसियर सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स, दिस बॉय कैन बिकम समथिंग। Probably that time, he did not think that he is going to be the next leader, that we will see later. But he became a choice, one of the choice men of Moses, a great man like Moses. A seen this 20-year-old boy, 20 year or plus years, some spiritual qualities, some commitment, some sincerity, some devotion that he has seen. That is very important. So second thing is Joshua the servant. Third, Nirgaman 33 ka 11, 33 ka 11, Nirgaman, Exodus 33 verse 11. और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, परंतु यहोशु नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से न निकलता था। तंबू में से नहीं निकलता, मूसा आके आता था जाता था, यहोशा तंबू में ही रहता था। इधर मैं बोलना चाहता हूं, ही वॉज अ सैंक्चुअरी ड्वेलर, तंबू में रहने वाला। ये क्या बताता है? ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ गॉड, ईश्वर का आराधना करने वाला था। जहां प्रभु के लोग इकट्ठा होके आराधना करते थे उधर आराधना करते थे। हम भजन संहिता से दो कलम इसके साथ जोड़ के पढ़ेंगे, आपको रेफरेंस लिख सकते हैं, 26 का 8 और 27 का 4, नस्तिक है दोनों कलम, 26 का 8, 27 का 4। यहोवा, मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं,
हे यहोवा मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। ओके 27:4 एक बार मैंने यहोवा से मांगा है उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Here David says, I have loved the habitation of your house, the place where your glory dwells. 27 का 4 में लिखा है, One thing I have desired of the Lord. एक ही बात। यदि प्रभु उनको पूछा तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करूं, तुम्हारे को क्या चाहिए, और दाऊद इधर बोला है वन थिंग एक बात, आई डिसायर्ड ऑफ द लॉर्ड दैट विल आई सीक दैट आई मे ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ टू बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड एंड इनक्वायर इन हिज टेंपल। आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए पूरा जीवन काल में, ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ आई वॉन्ट टू ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। दे वर ग्रेट वर्शिपर्स ऑफ गॉड। नो दैट्स व्हाई ही रोट दिस वंडरफुल साम्स। अरे हियर वी रीड अबाउट जोशुआ, ही वॉज अ सैंक्चुअरी ड्वेलर। और हम आराधना का कितना महत्व देते हैं। आराधना और प्रार्थना में क्या फर्क है? आराधना के समय में हम ईश्वर को देते, प्रार्थना में हम ईश्वर से लेते हैं, मांगते हैं। यह है फर्क। ईश्वर को देने वाला क्या दे सकते? ईश्वर को सिर्फ हमारा अंदर से जो स्तुति धन्यवाद निकलते हैं वो चाहते हैं। इसलिए जोशुआ वाज अ ग्रेट मैन ऑफ वर्शिप, वर्शिपर, ही इज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ गॉड। ईश्वर का आराधना करने वाला था। अभी आगे हम बढ़ेंगे, निर्गमन 17 का 8-13 तक है, पूरा हम नहीं पढ़ेंगे। उधर जोशुआ इज द सोल्जियर, निर्गमन। तब अमालेकी आकर रपीदुइम में इजराइलियों से लड़ने लगे। जब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ी के चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। और 15 जब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। ओके, अगर हमको एक दो ही हिब्रू शब्द मिलता है यहोवा निसी, इसका अर्थ है गॉड इज माय बैनर, The Lord is my banner, or the Lord is my victory. इधर अमालेक के साथ यहोशुआ लड़ाई करके उनको पूरा हरा दिया। जोशुआ इज द सोल्जर, ही वॉज द जनरल ऑफ द आर्मी, ही वॉज अ ग्रेट फाइटर। धीमे से आत्मिक जीवन में हम समझते हैं हमको एक लड़ाई है, हम लड़ाई में है। शुरुआत में शायद हमको इतना मालूम नहीं है, बाद में हमको मालूम पड़ेगा। हमको 3 शत्रुओं के साथ लड़ाई करना है, फ्लैश द वर्ल्ड एंड सैटन। हमारा पुराना मनुष्यत्व और जगत और तीसरा है शैतान। इन 3 शक्तियों के साथ हमको निरंतर लड़ाई करना है। ये 3 शक्तियां हमें आत्मिक जीवन में हराने के लिए
हमें पीछे लेके जाने के लिए, हमें गिराने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए, ये तीन शक्तियों के ऊपर हमको विजय पाना है। सो जोशुआ वाज अ ग्रेट सोल्जर, ही हैज वन कंप्लीट विक्टरी ओवर द अमलेकाइट्स। और आगे हम जाएंगे संज्ञा 14 का 6, नंबर्स 14 वर्स 6। वी सी जोशुआ देयर एज अ स्पाई, जासूसी कर भेजा है। और नून का पुत्र यहोशू और यूपन्ने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। इधर 13वां अध्याय और 14:7 में पढ़ेगा तो हमको मालूम है, ये 12 जन को चुन के कनान देश को जासूसी करने के लिए भेजा, और उधर से वापस आके 10 जन बोला है हमारे उधर जाना बहुत खतरनाक है, हम इधर ही रहना अच्छा है। ये तो उनमें से कुछ लोग क्या बोला, हम एक लीडर को बनाएंगे, हम वापस मिस्र में चले जाएंगे। 14:2 में लिखा है, इफ ओनली वी हैड डाइड इन द लैंड ऑफ इजिप्ट, और इफ ओनली वी हैड डाइड इन दिस विल्डरनेस, देन दे सेड लेट अस, वर्स 4, लेट अस सेलेक्ट ए लीडर, रिटर्न टू इजिप्ट। रगेश भाई थोड़ा पढ़िए, 2 और 4 पढ़िए। संज्ञा 14 वर्सेस 2 और 4। और सब इजराइली मूसा और हारून पर गुड़गुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। ओके, अब मिस्र में था उन लोग, उधर ईश्वर को देखे रो रहा था, हमको इधर से बचाइए बचाइए। अभी इधर कनान देश में पहुंचना थोड़ा कठिन है। फिर इन लोग 12 जन आके बोला है, हम इसके लिए साहस ना करें, और लोगों को बताया उधर हम हमारे शत्रु से हरा जाएंगे, उन लोग हमको मार डालेंगे। फिर लोग सब मिलके क्या बोला, यदि हम मिस्र में ही मरा है तो अच्छा था, अभी मरेगा तो अच्छा है। तीसरा झुंड क्या बोला है, चलो हम एक नया नेता को बनाएंगे, लीडर को बनाएंगे, हम वापस मिस्र में चले जाएंगे। रूस में 6वां कलम में हमने जो पढ़ा है, ये दो जन योशुआ और कालेब अपना कपड़ा पाट के लोगों को बोला, ऐसा नहीं है। 8वां कलम में बोला, इफ द लॉर्ड डिलाइट्स इन अस, देन ही विल ब्रिंग अस इनटू द लैंड एंड गिव इट टू अस, डू नॉट रिबेल अगेंस्ट द लॉर्ड नॉर फियर द पीपल ऑफ द लैंड, एंड द लॉर्ड इज विथ अस, डू नॉट फियर देम। Here we see a man of faith, different from others. वो majority के साथ join होने के लिए कोशिश नहीं किया। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, majority is right, minority is wrong. इसका कोई जरूरत नहीं है। बाइबल हम पढ़ेगा तो कई जगह में ईश्वर दिखाया, minority is right. फॉर एग्जाम्पल, नोहा के प्रलय के समय में ओनली 8 पीपल एंटर्ड इनटू द आर्क,
they were a minority. Majority were dancing. And they were engaged in the pleasures of this world. उन लोग जगाज के अंदर आने के लिए तैयार नहीं हुआ, प्रभु का वजन सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ. सो दे वर ए माइनॉरिटी, एट पीपल वर ए माइनॉरिटी. ये हम बार बार देख सकते हैं बाइबल के अंदर. इधर भी और एक बार हम देखते हैं, 10 पीपल सेड नो 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 एंड रेस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्ड देम बिकॉज दे वर मेजोरिटी. दिस इज in relation to different churches, relation to different people group, and they may look at us and say that, you know, you are after all a small minority. Yes, we are a minority. बहुत साल पहले केरला में जो केवी साइमन बोल के एक प्रभु का दास रहता था, उनके पास एक आके एक आदमी पूछा, आप इतना बड़ा उपदेश बोलते हैं, बाइबल के बारे में इतना गर्व करते हैं, बाइबल के अनुसार चलने के बारे में बताते हैं, लोगों को चैलेंज करते हैं, क्यों आपके साथ ज्यादा लोग नहीं है? केवी सेमन उनको पूछा, ये फिश मार्केट में ज्यादा लोग हैं, सोना का दुकान में ज्यादा लोग हैं? जो मार्केट डे है, फिश मार्केट में जाएंगे तो कितना बड़ा भीड़ है, और सोना का दुकान में कितने लोग हैं? और पूछा, ये क्यों ऐसा है? सोना के लिए बहुत भाव देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव ए बिग प्राइस, दैट्स द रीजन. This faith is not a small thing, not a cheap thing. It's a very costly. We have to pay a great price. Praise God for each one of us. Each believer who committed his life for the word of God, who want to live for the word of God, paying a great price, sometimes separated from their families, their community, their relatives, friends, lot of things they had to, lot of challenges they had to face. But why we do? Because we understand this faith is very precious. So Joshua did not join with the majority. He saw the promised land with the eyes of faith. Vishwas se wo vaada kiya hua desh ko dekha hai. हम भी ऐसा ही करना है. हमारे लिए वायदा किए हुआ बातें हमारे हृदय का आंख से देखने का है. परिस्थितियां जब बदलते हैं, हमारा आशा ऊपर आने का है, वो प्रॉमिस लैंड को देखने का है. इधर का पीड़ाएं, इधर का समस्याएं, इधर का बीमारियां, इधर का कई प्रकार का दुख और क्लेश सब थोड़े समय के लिए है. हमें आगे रखा हुआ बातें कितना श्रेष्ठ है, उत्तम है, आनंद काल का है, ये सब ज्यादा है तो हमारा वो उम्र ज्यादा है तो 80 साल के लिए है. सब छोड़ के इधर से जाने का काली हाथ के साथ हमको मिलने वाला बातें आनंद काल का है, अतुल्य है. इसके साथ, दुनिया का बातों के साथ उसका कुछ कंपेरिजन नहीं है. ऐसा बातें हैं, विश्वास का आंखों से देखने का है. इसलिए यहोशुआ इधर बाकी लोगों के साथ नहीं था, बाकी लोगों से अलग होने के लिए तैयार हुआ. अच्छा हो गया, उनके साथ एक आदमी दूसरा था. शायद हमारे साथ दूसरे लोग ज्यादा नहीं होगा, कोई बात नहीं. हम प्रभु के लिए गए, सत्य वचन के लिए है, इस बाइबल के लिए है. यदि ये बाइबल गलत है तो हम गलत है. बाइबल कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए हम सही हैं. इस पुस्तक के लिए जीने का है, सत्य के लिए जीना है, विश्वास के लिए जीना है, आशा को आगे रखने रखे जीने का है. आगे हम बढ़ेंगे, दो तीन बात बोल के मैं पूरा करना चाहता हूं.
योशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 नहीं सॉरी संज्ञा 27 संज्ञा नंबर 27 15-18 मूसा ने यहोवा से कहा यहोवा जो सारे प्राणियों का आत्मा यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्मा का परमेश्वर है वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। आगे पढ़िए जो उसके सामने आया जाया करे और उनको उनका निकालने वाला और बैठाने वाला हो जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे के की भेड़ बकरियों के समान न रहे। थोड़ा ऊपर पड़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा ईश्वर मूसा को सीधा बोल दिया अभी तुम कनान देश में जाने वाला नहीं है तुम्हारा सेवगाई तुम्हारा यात्रा बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और उस समय मूसा ईश्वर से बोला 15 में हम पढ़ते हैं Moses spoke to the Lord saying, Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation. रो ऐसा नहीं बोला मेरा बच्चे इधर है उन लोग मेरे जीवन के बाद इसराइली लोगों को चलाएंगे ऐसा ईश्वर को बताया नहीं। और दूसरा आरोन का बच्चे थे उन लोग चलाएंगे ये भी बोला नहीं उनका कोई सजेशन नहीं था बिकॉज दिस इज गॉड्स पीपल गॉड्स वर्क गॉड्स मैन शुड लीड द पीपल ऑफ गॉड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट डिड ही से लेट द लॉर्ड द गॉड ऑफ द स्पिरिट्स ऑफ ऑल फ्लैश सेट ए मैन ओवर द कॉन्ग्रीगेशन देन वर्स 17 सीट व्हाट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी हु मे गो आउट बिफोर देम And go in before them, who may lead them out and bring them in, that the congregation of the Lord may not be like sheep which have no shepherd. A leader का काम क्या है? लोगों को चलाना है. एक चरवाहा का काम क्या है? भेड़ों को सुरक्षा देना है, उनका जरूरतें सब पूरा करने का है. शपथ वर्तमान काल में ये सेवगाई का महत्व बहुत लोग नहीं समझते हैं ये छोटा बात नहीं है। और प्रभु का सेवक को प्रभु चुनने का है ये मनुष्य के हाथों से नहीं होने का मनुष्य का योजना से नहीं होना। सो मोसेस दैट ग्रेट मैन ऑफ गॉड सी द लार्जनेस ऑफ हिज हार्ट He said, God, you are the person to choose who will lead the children of Israel. So here we see Joshua is the successor. और उधर नीचे ईश्वर बोला है verse 18. And the Lord said to Moses, Take Joshua the son of Nun, which with you. A man in whom the Spirit lay your hand on him. Verse 22. So Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua and set him before Eleazar the priest, before all the congregation, and he laid his hands on him and inaugurated him. So here we see Moses' concern for the people of God. And he wanted a spiritual man. To lead the people of God further. That's very important. This is the responsibility of the leaders which are leaving this world, about to leave this world. They should find the right people to lead the people of God. That's very important. So Joshua is the successor. Then chapter Joshua 1:8. Joshua 1:8.
व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। योशुआ इज अ स्टूडेंट, ईश्वर ये प्रभु का पुस्तक, मूसा के द्वारा लिखा हुआ पांच पुस्तक उत्पत्ति से लेके ड्यूटोनोमी तक उनके हाथ में दिया और उसको बोला ये तुम्हारा मुंह से नहीं निकलना है। व्हेनेवर यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। सेकंड, यू हैव टू मेडिटेट इन डे एंड नाइट, एवरी डे एटलीस्ट टू टाइम्स यू मेडिटेट अपॉन इट। थर्ड, यू ओबे इट। थ्री थिंग्स गॉड सेड। So here I want to say, God expected him to be a student of the word of God. That is God's expectation about every believer. We should be students, continuously learning. Nobody can say that I learn everything. After 45 years, 47 years of Christian life, I sometimes repent before God that I did not study Bible more. I should have studied it more. I should have spent more time with the Word of God. And those who are young, I just want to encourage you. You study the Bible more. Memorize the Bible. Speak the Word. Do things according to the Word of God. So, if you have to do that, you have to be a student of the Word of God. Let us all be students of the Word of God. No, Prerito ka kaam 17 adhyay mein, wo Berea mein jo log the, Bereans, what did they do? They heard the preaching of Apostle Paul. But they did not believe everything but Paul said. They went back to their home. They searched the scriptures to check it, whether everything what Paul said was according to the word of God or not. That's very important. Don't swallow everything what the preachers are saying. You check it. If you have to check it, you need to have the knowledge of the word of God. That's very important. Okay, the last thing. Joshua chapter 24, verse 15. और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिन्हें तुम जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिन्हें जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। इधर जोशुआ इज द सेपरेटिस्ट। He called all the people of Israel towards the end of his life. And he has seen by his own eyes the ups and downs in the life of these people. And how they miserably failed at times. So he said, decide today. Another day of decision. You have come together to make a decision today. Whom you are going to serve? If you want to serve those gods which were there in the other side of the river, which your forefathers before Abraham, until Abraham, people served other gods. If you want to serve them, serve them. But I have made a decision. I have chosen something. What is that? I and my family, we will serve the Lord. That's very important. Now, sometimes we have to look at our relatives and say like this. Let them do what they like. Where they want to go, let them go. But I have made things very clear.
I and my family, we will serve the Lord. And I tell you, I have made a decision like that. When I look at my family, they are more worse than nominal Christians. And many distant relatives, first cousins, second cousins, or third cousin, how miserable their life is. How ungodly they are. But in front of them, made this great decision. They are with us or not, that's not the question. I have made the decision. I am going to stick to it. That's very important. Joshua is a separatist. As I said, you know about Noah, he had to make a decision. He and his family made a decision. I appreciate his wife and three sons and three daughters-in-law. They together said, we will serve the Lord. We will live for the Lord. Whether others are there with us or not, no problem. God is with us. So Joshua is a separatist. That's the challenge for us. When we live in this world, sometimes we have to make a decision like that. And not for one day or 2 days. Continuously making the decision. Yes, this is the decision of my family. This is for me and for my family. I cannot decide for others, but at least as a family, we can make a collective decision. So we read about, studied about Joshua. I tell you, when I studied it once again, you have been going through the book of Joshua these days, last month. And think about this great man, how he became great. Born in an ordinary family as a slave boy. When their parents and all the children of God were going through untold problems. They were oppressed and suppressed. But even in that situation, this boy grew up. As soon as Moses came, he recognized him. He became a servant of Moses. And whatever role Moses assigned to him, he did it very faithfully. He was the man of faith. He has seen things with the eyes of faith. And finally, towards the end of his life, he challenged Israel and said, you decide whom you want to serve. I and my family, we will serve the Lord. ये बस मेरे माँ के मेरे मामा के घर में बहुत छोटे उम्र में 7-8 साल का एक बच्चा होके मैं जाते समय में उनके दीवार में ये बस वोल्टेक्स था. मुझको कुछ समझ में नहीं आया इसका अर्थ क्या है, ये कौन बोला है, कुछ मालूम नहीं हुआ. अरे उन लोग खाली दीवार में ये लड़का के रखा था. फिर मुझको मालूम है इतना अंधविश्वास से भरा हुआ घर है. फिर वो ये वजन दीवार में था, इसका कुछ असर नहीं था. इसलिए ये कलम खाली घर दीवार में रहने से कोई फायदा नहीं. दिल का दीवार में होना है, अंदर होना है. बार बार हमसे बोलना है, ये है मेरा निर्णय. कभी कभी दूसरों को भी बोलना पड़ेगा, ये है हमारा निर्णय. और इसलिए प्रभु आने वाले दिनों में हमें मदद करें. यहोशुआ का जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है. एक साधारण से साधारण घर से कई प्रकार का प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में से, बहुत कड़वा अनुभव के बीच में से आके प्रभु के लिए इतना एक उपयोगी जीवन जिया हुआ व्यक्ति है योशुआ.
ये आपके लिए मेरे लिए उनका जीवन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करें।